Hello, dear students. Now we are going to start class 7th mathematics, R.S. Agriwal. It is chapter number 6 algebraic expression, exercise 6a, question number 1. The question is add the following. First question is 5x, 7x, and minus 6x. We have to add that. Let's see the solution 5x plus 7x plus minus 6x. से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे वेरिएबल सेम हैं जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनके जो कोफिशियंट हैं जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं फाइव प्लस सेवन यहाँ हमें मिल रहा है ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स एक्स इस तरह से आपका आंसर होगा सिक्स सेकंड सेकेंड क्वेश्चन की हम अगर बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शंस गिवन है थ्री बाई फाइव एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस माइनस फोर बाय फाइव एक्स यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे थ्री बाई फाइव एक्स एज इट इज़ प्लस टू बाय थ्री एक्स एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस फोर बाय फाइव एक्स स्टूडेंट यहाँ पे हमें फाइव थ्री फाइव का एल सी एम लेना होगा हमने जब एल सी एम लिया हमें मिला फिफ्टीन अब यहाँ पे एल सी एम के बाद जो प्रोसेस है वो पूरी सेम है जैसे हम करते हैं एल सी एम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर प्लस एल सी एम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर माइनस यहाँ माइनस है इसलिए मैंने माइनस साइन अप्लाई किया है एल सी एम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर ये पूरा हमने वही लाइन लिखा है मैंने डिटेलिंग यहाँ पे बताई है आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा अब फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव हमें मिलेगा थ्री इंटू थ्री एक्स प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थ्री फाइव इंटू टू एक्स माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव थ्री इंटू फोर एक्स यहाँ पर हम और सॉल्व कर रहे हैं इसे थ्री थ्री 9x नाइन एक्स प्लस फाइव टू ज़ा टेन एक्स माइनस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन नाइन प्लस टेन नाइन्टीन माइनस ट्वेल्व एक्स डिवाइडेड बाई फाइव फिफ्टीन एंड नाइनटीन माइनस ट्वेल्व एक्स सेवन एक्स डिवाइडेड बाई फिफ्टीन इट इज़ आर आंसर आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है इसी तरह से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें आप देख रहे हैं हमें ऐड करना है फाइव ए स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर बी एंड सेवन ए स्क्वायर बी इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हमें सबसे पहले इनके बीच में प्लस साइन अप्लाई करना है फाइव ए स्क्वायर बी प्लस माइनस है इसलिए हमने ब्रैकेट लिया है माइनस एट ए स्क्वायर बी प्लस सेवन ए स्क्वायर बी फाइव ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस एट ए स्क्वायर बी प्लस सेवन ए स्क्वायर बी यहाँ पे स्टूडेंट हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं हमने पहले प्लस वाले नंबर्स को सॉल्व किया है फाइव प्लस में है सेवन प्लस में है तो प्लस प्लस सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व ए स्क्वायर बी माइनस एट ए स्क्वायर बी एज इट इज़ ट्वेल्व माइनस एट फोर ए स्क्वायर बी इस तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ रहा है इसी तरीके से अब आप फोर का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रही हूँ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं करके बता रही हूँ क्योंकि फ़ोर उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने अभी सेकेंड सॉल्व किया था मैं शॉर्ट में आपको इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे हमें थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर एक्स स्क्वायर गेवन है यहाँ पे आपको फाइव और माइनस वन थ्री के डिवाइड में कुछ नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे वन शुरू से ही लगा लीजिए आपको सबके बीच में प्लस साइन लगाना है यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस मिल रहा है आपको फिर आप फोर वन वन फोर जो भी नंबर हैं इनका एल लेंगे तो आपको एल सी फोर मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में मैंने जैसे आपको बताया था ये फोर टाइम्स होगा एल सी एम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर एल सी एम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इन डो न्यूमरेटर ये प्रोसेस आपको चारों क्वेश्चन में चारों फ्रैक्शंस के लिए करनी है तो आपको फाइनली मिलेंगे लास्ट में थ्री एक्स स्क्वायर ट्वेंटी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर यहाँ पर आप देखिए ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री हो जाएगा और माइनस ट्वेल्व माइनस वन माइनस थर्टीन आपको मिलेगा माइनस ट्वेल्व माइनस वन माइनस थर्टीन मिलने वाला है अब आप जब ट्वेंटी थ्री में से थर्टीन को माइनस करेंगे आपको मिलेगा टेन बाय फोर एक्स स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर होगा आप चाहें तो टेन बाय फोर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं टू के टेबल से टू फाइव ज़ा टेन टू टू ज़ा फोर आपका आंसर मिलेगा फ़ाइव बाई टू एक्स स्क्वायर आई होप आपको थर्ड का जो सॉल्यूशन है वो समझ में आ रहा है मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैंने सेकेंड आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सथ क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन मैं ले रही हूँ इसके बाद एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर जेड वाई माइनस टू एक्स माइनस एट जेड एंड फाइव एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री जेड ये जो तीनों टर्म दिए इनके बीच में हमें प्लस साइन लगाना है स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैं आपको इसको समझा रही हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो तीनों टर्म दिया था हमें इनके बीच में मैंने प्लस साइन लगाया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में एडिशन बोला है इसलिए मैंने प्लस साइन अप्लाई किया है तीनों टर्म्स के बीच में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं कुछ क्वेश्चन में हमें वेरिएबल एक्स मिल रहा है कुछ क्वेश्चन में हमें वेरिएबल वाई मिल रहा है कुछ क्वेश्चन में हमें वेरिएबल जेड मिल रहा है तो हमें पहले सेपरेट करना होगा एक्स वाले जितने टर्म्स हैं वो साथ में लिखेंगे वाई वाले जितने टर्म्स हैं वो साथ में लिखेंगे और जेड वाले जितने टर्म्स हैं वो हम साथ में लिखने जा रहे हैं इट इज़ अवर जेड ठीक है तो हमने x, y और z को सबसे पहले सेपरेट करना है यहाँ से x माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स साथ में लिखा है माइनस थ्री वाई प्लस वाई माइनस टू वाई साथ में लिखना है प्लस फोर जेड माइनस एट जेड माइनस थ्री जेड साथ में लिखना है अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होने वाला है देखिए यहाँ पर प्लस प्लस वाले पहले नंबर देख लेते हैं यहाँ वन है फाइव प्लस वन सिक्स एक्स माइनस टू एक्स सेम इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस वाई तो बिग डिजिट का साइन है इसलिए माइनस फाइव फाई प्लस वाई यहाँ पर आप बात करेंगे अगर फोर जेड माइनस माइनस प्लस एट प्लस थ्री एलेवन जेड और माइनस साइन क्योंकि बिग डिजिट है ठीक है अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिक्स माइनस टू फोर एक्स एक्से एक्से सॉल्व होगा वाई से वाई सॉल्व करना है और जेड से जेड सॉल्व करना है तो सिक्स माइनस टू फोर एक्स माइनस फाइव प्लस वन माइनस फोर वाई एंड प्लस फोर माइनस एलेवन माइनस सेवन जेड इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तक इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको सॉल्यूशन शॉर्ट में यहाँ पे बता रही हूँ सेवनथ क्वेश्चन में भी आपको जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आप क्वेश्चन में प्लस साइन लगा लीजिए एक्स सेपरेट कर लीजिए वाई सेपरेट कर लीजिए एक्स के सारे टर्म्स पास पास लिख लीजिए वाई के सारे टर्म्स पास पास लिख लीजिए और उसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिए फाइव प्लस टू सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस थ्री थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर सेवन माइनस थ्री फोर एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन वाई स्क्वायर इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व ए बी सी के साथ हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेवन है ये आपका इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट भी आपको मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन गिवन है वो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा ए वाले सारे नंबर बी वाले सारे टर्म्स और सी वाले सारे टर्म्स हमें सेपरेट सेपरेट करने हैं एल लेने हैं एल सी एम लेकर उन्हें सॉल्व करने हैं टोटली totally, और ये आपके फाइनल आंसर आपको मिलते जाएंगे आई होप आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर हैं इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर वन में नाइन और टेन अब रिमेन है जो आप करने की कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एट तक समझाया है आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें थैंक यू हैव अ नाइस डे एवरी